अब जल्दी आ जाओ यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ। बस आ रही हूँ। डोडो, क्या ये तुम्हारे साथ भी ऐसी हरकतें करती है? हाँ, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, बहुत मुश्किल जिंदगी होगी तुम्हारी। एक राज की बात बताती हूँ, वैसे मैं भी अच्छा गाती हूँ। डिस्को दीवाने, जानते हो मुझे गाना बहुत पसंद है, और बचपन में मैं ऐसे बहुत गाती थी। मैं हमेशा अपनी आंटी और अंकल के साथ कॉन्सर्ट्स पर निकल जाया करती थी, और मुझे इस तरह गाने का मौका भी मिल जाता था। और जानते हो मेरे दो दोस्त ऐसे भी थे जिन्हें म्यूजिक से बहुत लगाव था। और हाँ, हम तीनों जब भी मिलते थे हम खूब एंजॉय करते थे, और हमें गाने बजाने से भी कोई नहीं रोक सकता था। और इसके साथ साथ हम तीनों ने मिलकर बहुत सारे म्यूजिक शोज भी अटेंड किए थे। सिनान, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। हमारे पड़ोस में एक बहुत हैंडसम लड़का रहता था, और जानते हो सारे मोहल्ले की लड़कियां उस हैंडसम लड़के पर फिदा हुआ करती थी, और हमारे ग्रुप के टूटने की वजह भी वही लड़का बना था। उस वक्त हम लोग हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। और हाँ, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मैंने गाने का शौक नहीं छोड़ा कभी भी। और मालूम है एक दिन मेरे साथ क्या हुआ? मैंने सोचा कि क्यों ना सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का सोचूं। मैंने फौरन अपने उन्हीं दो दोस्तों को बुलाया, और हम तीनों ने मिलकर एक जबरदस्त सा सॉन्ग लिखा, और बगैर वक्त जाया किए हमने तैयारी भी कर ली। और उसी सॉन्ग के लिए मैंने गिटार बजाने की भी प्रैक्टिस की थी, मगर उस वक्त हर कोई ही गिटार बजा लेता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अलग इंस्ट्रूमेंट बजाया जाए। तो मेरा इंटरेस्ट बांसुरी बजाने में डेवलप हुआ, और मैंने फिर उसी की प्रैक्टिस की। और शायद तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने इतनी जबरदस्त बांसुरी बजाई कि सारे हॉल के लोग उठ के तालियां बजाने लगे और तारीफों के पुल बांध दिए मेरे लिए। मगर मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे पेरेंट्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, और उन्होंने मेरा एडमिशन एक मेडिकल स्कूल में करा दिया। शुरू शुरू में मुझे मेडिकल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स की खातिर इस प्रोफेशन में आई, और आज देखो कि मैं कितनी काबिल और मेहनती डॉक्टर बन गई हूँ। बस कर दो प्लीज। क्या लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। हाय नैना। हाय। हेलो, कैसी हो? हेलो बाजिल, अच्छी लग रही हो। कैसी हो नैना? कितना अच्छा लग रहा है ऐसे मिलकर, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आयला, ये सब देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। वाकई तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तुम लोग कब आए? मुझे यहाँ आए हुए एक घंटे से ज्यादा हो गया, और जब मैं यहाँ आई थी तो बाजिल तो यहाँ पहले से ही बैठा हुआ था।
चाहती हूँ। आज की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल है और वो सिर्फ एक शख्स की वजह से, और इस वक्त वो शख्स यहाँ मौजूद है हम लोगों के बीच और मैं चाहती हूँ कि वो स्टेज पर आए ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अगर आज की रात मैं आप सबके सामने गा पा रही हूँ तो इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ एक शख्स को जो यहाँ आकर मेरे साथ परफॉर्म करेंगे। चलो सिनान उठो, वो तुम्हारा वेट करेंगे, जाओ। पापा मत करें यार। कैसी बातें कर रहे हो, तुम इतने बड़े स्टार के डॉक्टर हो, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ। अब तुम ऐसे एक्ट नहीं कर सकते हो, जाओ। चलो जाओ जल्दी, चलो जाओ भी। रिलैक्स। सामने तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर सिनान। तो बताइए ये हैंडसम है कि नहीं? बिल्कुल है, काश के ये मेरे भी डॉक्टर होते। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अपनी सीट पर जाने दीजिए प्लीज। कम ऑन, मेरा दिल मत तोड़ो यार। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। एक्चुअली ये बात नहीं है, लेकिन मुझसे नहीं हो। जरूर हो। अगला सॉन्ग आपके सामने पेश होगा हमारे हैंडसम डॉक्टर के। It's okay to cry as long as you let him go. It wasn't your fault, you didn't know. Pathological lies I rarely found. Time that you need. Yeah, I know that you're stronger than what you believe. This is the last time he'll leave you this hurt. You can move. Lesson learned. Don't go looking for love where you lost it. You deserve better. मैं बाहर जा रही हूँ। Better, I promise. हम आते हैं अभी। I promise. चलो अब हम चलते हैं अंदर, काफी हाँ। देर हो गई है ना, जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, सही कह रही हो, चलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? अब क्या कहूँ मैं तुम दोनों से? तुम लोगों ने सबको बेवकूफ बना के रखा है, खासतौर पर मुझे। एक तरफ मेरा दोस्त है तो एक तरफ बहन। मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे सब कुछ बता दोगे, हाँ? लेकिन तुम लोग तो आंखों में धूल झोंक रहे हो। तुम ये कैसी फजूल बातें कर रहे हो यार? अब मैं किस पर यकीन करूँ, आपकी बातों पर या जो मैंने अपनी आंखों से देखा उस पर? सेना, आयला, आयला, जाने दो, अभी सही वक्त नहीं बात करने के लिए। आयला, मेरा तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे कि आखिर हुआ क्या है? मुझसे आखिर क्यों छुपा रहे हो? हो सकता है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। प्लीज मुझे बता दो ना, ऐसा खामोश खड़े रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नैना, मेरा मूड इस वक्त ऑफ है, तो तुम्हें खुदा का वास्ता चुप हो जाओ प्लीज। इनफ, इस लड़की पे बिला वजह गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, मर्द बनो, ठीक से बात करो। आपा मैं जा रहा हूँ, एंड आई होप कि आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। नैना, ओके, गुड नाइट बाजिल भाई। ओके, गुड नाइट। आखिर तुम्हें हो क्या गया सनान? ये सब क्या कर रहे थे तुम? मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। तुमने जो कुछ वहाँ देखा वो सच नहीं था। मैं गिरने लगी थी और उसने मुझे बस सहारा दिया।
और वैसे भी मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, नहीं करो एक्सप्लेन, मुझे चाहिए भी नहीं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन। आई थिंक मुझे इस वक्त तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मसला तुम दोनों का है, मैं बीच में नहीं आना चाहती। डॉक्टर सिनान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नैना। हाँ। क्या तुम रुक सकती हो थोड़ी देर के लिए? ठीक है। देखो, आज जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, मैं थोड़ा रूड हो गया था, मानता हूँ। आई एम सॉरी। वैसे तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है सिनान, और आज रात बहुत एंजॉय किया मैंने। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, रुको एक मिनट। क्या हो सकता है? ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। पर क्यों? तुम्हारी बर्थडे पे मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया था ना, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। सीरियसली, ये गिफ्ट मेरे लिए है? हाँ, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, मगर छोटा सा है। यार, हाउ क्यूट, कितना प्यारा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। I'm really sorry. वो मैं दरअसल excited हो गई थी बस इसीलिए। नहीं, it's okay. I'm happy कि तुम इतना अच्छा लग। I mean, तुम्हारी excitement gift के लिए कुछ ज़्यादा ही थी। Thanks. तुम बहुत अच्छे हो सिनान। कितनी प्यारी है। यार, ये तो मेरी गाड़ी का मॉडल है। एक बार फिर से शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, तो अब चलना चाहिए मुझे, क्योंकि वैसे भी बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ। ओके, अब जा रही हूँ मैं। ओके, तो कल मिलते हैं हम। तुम्हारा फिर से शुक्रिया इस प्यारे से गिफ्ट के लिए। तो कल मिलते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। डोडो, डोडो। यार, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, डॉक्टर सिनान ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि डॉक्टर सिनान ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा, और देखो कितना प्यारा है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो कितना क्यूट गिफ्ट है, यकीनन तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। देखो देखो, ये गाड़ी चलती भी है। ओ, कितने खुश हो गए तुम भी ना। अम्मी की कॉल है, अम्मी की। हेलो अम्मी जान। हाँ हाँ, ठीक हूँ अम्मी, अभी आई हूँ घर में। हाँ, डोर लॉक कर दिया है मैंने। आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ अम्मी, ठीक है ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। ओके, गुड नाइट। Thank you.
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वो आयला घर पर है क्या? नहीं, आयला तो घर पर नहीं है. वो ब्रेकफास्ट करने किसी दोस्त के साथ गई है. वैसे तो मैं जानता हूँ कि वो किसके साथ गई होगी, लेकिन मैंने इग्नोर किया. यार सिनान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो? आयला एक समझदार लड़की है और उसे अपने अच्छे बुरे की तमीज है. तुम उन पर फजूल में शक कर रहे हो और मेरा नहीं ख्याल कि तुम जो सोच रहे हो वो एक दूसरे से ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे. आई थिंक तुम्हें उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए. अब चलें क्या? ओके, तो चलो. वो देखो, सिग्नल ग्रीन हो गया. इस गाड़ी को भी अभी बंद होना था. कम ऑन, जल्दी स्टार्ट हो जाओ यार, जल्दी. यार नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? साइड से चले जाओ. सिनान, ये स्टार्ट तो हो जाएगी ना? ना ना, हम तकरीबन पहुंच ही गए. तुम उतरो और उतर के धक्का लगा. हाँ, ओके. क्या मैं धक्का लगाऊं क्या? इतनी बड़ी गाड़ी को भला मैं कैसे हिला सकती हूँ? एक नाजुक सी मासूम सी लड़की से ये कैसे कह सकते हो तुम? तुम कर सकती हो नैना, तुम कर सकती. चलो शाबाश, अब गर्ल पावर दिखाओ. कम ऑन. मैं नहीं कर पा रही है. यस, स्टार्ट हो गई. ये तो चलो जल्दी चलते हैं. आयला, एक्चुअली कल जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे यूं लग रहा था कि तुम आज नहीं आओगी मेरे साथ. तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? तो क्या वो गुस्से में था? बेवकूफ है, मेरे यहाँ आने पर और गुस्सा होगा, क्या फर्क पड़ता है? डोंट टेल मी, तुम वाकई इसलिए आई हो यहाँ? शायद. क्या तुमने गाड़ी को धक्का लगाने वाली बात सीरियसली कही थी? हाँ बिल्कुल सीरियस ही कही थी. और इसमें गलत क्या था? तुम सारा दिन मुसलसल मेरा सर खाती रहती हो कि कभी मैंने कंप्लेन की उसकी. हाँ हाँ, माना कि कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हें तो वैसे ही रहना है हमेशा. तुम इस सबको कुछ ज्यादा ही नहीं एग्जैजरेट कर रहे? और वो सब जान के तो नहीं करती हूँ ना मैं, है ना? जी नैना साहिबा, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही. सिनान, नैना, तो कल रात कैसा रहा सब? हाँ यार, उस बारे में तो ना ही पूछो तो अच्छा है. क्यों, तुम लोगों ने एंजॉय नहीं किया क्या? सब खैरियत तो है ना? हाँ तुम बताओ मुझे. दरअसल बात यह है कि मुझे किसी ने चुप रहने का कहा है, लेकिन मैं आपको तो बता ही सकती हूँ. कितने प्यार से पूछ. नैना यार, ऐसा भी कुछ खास नहीं हुआ था, छोड़. ओ, उन्होंने मुझसे पूछा है सिनान? इतने प्यार से पूछने पर मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? तो मैं आपको बताती हूँ, कल रात डॉक्टर सिनान एक पॉप स्टार बने हुए थे. और जानते हैं कि स्टेज पर ये सिंगिंग के साथ साथ अपने डांस का टैलेंट भी दिखा रहे थे. और इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर वहाँ की लड़कियाँ फिदा हो गई थी. और इनके बाद जब मैं स्टेज पर गई तो मुझे वहाँ पे कोई खास रिस्पांस नहीं मिला. मुझे मालूम तो था कि तुम्हारे अंदर बहुत से टैलेंट्स हैं, मगर तुम एक पॉप स्टार. नैना, हंसने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ था. जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपनी डांसिंग और सिंगिंग के जिम्मेदार आप खुद हैं. तो बराए मेहरबानी इसका इल्जाम किसी और पर मत डालें. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मुराद. गुड मॉर्निंग नैना. डॉक्टर सिनान, डॉक्टर बाजिल, इमरजेंसी केस है, आप दोनों को फौरन आना होगा. डॉक्टर, इमरजेंसी है. डॉक्टर, ये सब क्या हो रहा है? ये काफी मुश्किल है समझाना. ये जगह दिन ब दिन अजीब होती जा रही है. नैना यार, मैं ये सब मजीद बिल्कुल नहीं कर सकता. मुझे नहीं पता था ये नकली शादी इतनी मुश्किल साबित होगी. मैं तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगा. यार अगर तुम कहो तो मैं सो जाती हूँ जमीन पर. यानी कल हमने जगह बदल ली थी, तो अगर आज मैं फ्लोर पर सो जाऊँ तो ऐसा भी हो सकता है कि सुबह बेड पर उठूँ मैं. हाँ आइडिया बुरा नहीं है वैसे. मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ. चलो ठीक है, डन, आ जाओ.
यार सिनान, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए, मैं क्यों सोऊं जमीन पर? हाँ अब अपनी बात से मत फिरो, बिल्कुल मत फिरो, आ जाओ शाबाश, जल्दी से फौरन नीचे लेट जाओ, शाबाश। रुको रुको रुको, प्लीज मेरी बात सुनो सिनान। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों इस बेड को आपस में शेयर कर लेते हैं ना, ठीक है ना सिनान? जमीन पर सोने की जरूरत ही क्या है जब इतना बड़ा बेड है, मैं उस तरफ सो जाऊंगी और तुम इस तरफ सो जाना, और हम लोग बीच में पिलोज रख लेंगे। I don't mind. ठीक है चलो। हाँ ये रखो पिलो बीच में, और ये यहाँ, अब लेटते हैं। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। हटो यहाँ से। हाँ, हम लोग तो बेड पर सोए थे, ये जमीन पर कैसे आ गए? मुझे तो लगता है इस कमरे में कोई भूत है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, शायद हमें यहाँ कैमरा लगाना चाहिए। क्या कमाल आइडिया है, मेरे रूम में कैमरा, बहुत खूब, जबरदस्त। मेरे कमरे का हाल तो देखो, पता नहीं क्या हो गया है, अच्छा खासा इंसानों की तरह रहता था। यार सब्र दे मुझे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार, मैं बेड से जमीन पर कैसे आ गई। क्या लगाया हुआ इसने सुबह ही सुबह? भौ भौ भौ। गुड मॉर्निंग दादा जान। डोडो, मेरी जान डोडो, तुम इधर कैसे आ गए डोडो? बहू क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? अरे नहीं दादा जान, मेरे डॉग का नाम डोडो है, मैं इसी से बात कर रही थी। सही, आयला के डॉग का नाम डोडो है, कितना फनी नाम है ना डोडो, मैं जब भी इससे मिलती हूँ इससे ऐसी ही बातें करती हूँ। आयला बताओ ना दादा जान को। अल्लाह अल्लाह। नैना तुम कहाँ रह गई थी? तुम जानते हो ना मैं कितना लेट हो गई हूँ। आप लोग ब्रेकफास्ट करें, मैं बैग लेकर आती हूँ। ब्रेड पास करो प्लीज। यार मुझे शोल्डर पेन हो रहा है। मैं सब जानता हूँ ये क्या हो रहा है। वैसे तुम दोनों हो बहुत रोमांटिक। हाँ चलिए, ओके खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा दादा जान। ओके बाय।